हेलो नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान पाठ 17 आर्थिक समस्याएं और चुनौतियां, गरीबी और बेकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गरीबी लेते हैं। भारतीय अर्थतंत्र में कुछ गंभीर और जटिल आर्थिक समस्याएं हैं। इन आर्थिक और सामाजिक समस्याओं में जनसंख्या वृद्धि, मूल्य वृद्धि, काला धन, गरीबी, बेकारी, भुखमरी, आतंकवाद आदि का समावेश होता है। जिन आर्थिक समस्याओं का हम जिक्र कर रहे हैं उनमें गरीबी, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि हैं। सबसे पहले गरीबी देखते हैं। गरीबी समाज का एक बड़ा वर्ग अपने जीवन की मूलभूत और आधारभूत आवश्यकताएं जैसे अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी न्यूनतम मात्रा में भी भोगने से वंचित रहकर जीवन गुजारता हो, ऐसे समाज की स्थिति को व्यापक या दयनीय गरीबी कहते हैं। यानी जो प्राथमिक आवश्यकताओं को भी पूरा न कर सके उसे गरीब माना जाता है। जिस व्यक्ति को दो टाइम का पर्याप्त भोजन न मिलता हो, रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में खुली जगह प्राप्त न हो, न चाहते हुए गंदे आवास और स्लम क्षेत्रों में रहना पड़े, जो सतत पौष्टिक आहार के अभाव में छोटे बड़े रोगों से पीड़ित हों, जिनके बालकों की कुपोषण के कारण बाल मृत्यु की दर अधिक रहती हो, गरीबी रेखा के नीचे जीवन वाले ऊंचे स्तर ऊंचा लाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास की गई। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की आय बहुत कम होती है। ऐसे परिवारों को अंत्योदय परिवार अथवा गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले परिवार BPL कहते हैं। सरकार ने ऐसे परिवारों को पहचान कर राशन कार्ड के आधार पर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था शुरू की। इन दुकानों से को उचित मूल्य की दुकान कहते हैं। ऐसे परिवारों को प्रतिमास आवश्यक चीज वस्तुएं जैसे अनाज, चीनी, तेल, नमक, केरोसिन आदि वस्तुओं का वितरण होता है। गरीबी का मापन किसी परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं के पीछे किए जाने वाले खर्च के आधार पर और परिवार द्वारा प्राप्त कुल आय के आधार पर किया जाता है। गरीबी दो प्रकार की, सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष गरीबी समाज के लोग अनाज, दलहन, दूध, सब्जियां, कपड़े जैसे प्राथमिक आवश्यकताएं लघुतम बाजार मूल्य पर भी प्राप्त करने में समर्थ न हो, उसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। सापेक्ष गरीब में समाज में विभिन्न आय वाले वर्ग वाले लोग जो रहते हैं, एक वर्ग को कम और एक को अधिक आय प्राप्त की होती है, इसे सापेक्ष गरीब कहा जाता है। गरीबी मापन के लिए ग्रामीण गरीब और शहरी गरीब। ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले अधिकांश भूमिहीन कृषि मजदूर, गृह उद्योग या कुटीर उद्योगों में लगे हुए कारीगर, सीमांत किसान, भिक्षुक, दैनिक मजदूर, जंगल या पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग या जनजातियों का समावेश होता है। शहरी क्षेत्रों में बसने वाले काम चलाऊ मजदूर, बेरोजगार दैनिक मजदूर की घरों में काम करने वाले नौकर, रिक्शा चालक, चाय नाश्ते के ठेले, गल्ले या होटल ढाबा पर ऑटो गैरेज में काम करने वाले श्रमिक, भिक्षुक जो अपनी न्यूनतम जीवन आवश्यकताएं भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। गरीबी उद्भव के अनेकों कारण हैं। कृषि समय के अलावा वैकल्पिक रोजगारी के अवसरों का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य रोजगारी के आवश्यक ज्ञान, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण के अभाव के कारण कृषि क्षेत्र में अपूर्ण विकास और अपर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं, निरक्षरता का अनुपात अधिक होने से
शोषण और अन्याय का भोग बनते हैं। नकदी फसलों को प्रोत्साहन मिला, खाद्य पदार्थों का उत्पादन घटा, आर्थिक सुधारों को लागू करने में ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूट गई, गरीब कुपोषण और विविध रोगों के शिकार बने, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आए, जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी, बाल मृत्यु दर घटी और औसत आयु सीमा बढ़ी। गरीबी निवारण के लिए सरकार द्वारा व्यूह रचना शुरू की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस विष चक्र को दूर करने के लिए भारतीय अर्थतंत्र में विकास की रणनीति और कार्य योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा मुख्य जिम्मेदार है। भारतीय अर्थतंत्र का जीर्णोद्धार भले ही शहरों में हो, परंतु उनकी जड़ें तो गांव में हैं। इसलिए 11वीं पंचवर्षीय योजना जो पूरी हुई, उसमें अर्थतंत्र को सुधारने के लिए जो है शुरुआत अधिक की गई, जिसे ग्रामोदय से भारत उदय के कार्यक्रम द्वारा ग्रामोद्धार के स्थान पर देशोद्धार का मूल विचार जो है अमल में रखा गया। आज़ादी के बाद के वर्षों में गरीबी हटाओ के सूत्र के साथ ही जिस किसी भी सरकार ने बड़े स्तर पर और भारी चावी रूप उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया, उनके विकास के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए गए, जिसके कारण शहर विकसित हुए और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली क्रांति का लक्ष्य जमीन सुधार के कानून धारा के कार्यक्रमों के अमल में कृषि क्षेत्र में विकास हुआ। सरकार नंबर दो, सरकार ने आय असमानता दूर करने के लिए कर की नीति में गरीबों को जीवन की अनिवार्य वस्तुएं प्राप्त होती रहें, उसका उत्पादन बढ़े, इस उद्देश्य से अमीरों के उपयोग की चीज वस्तुओं और सेवाओं, मौसौक तथा भोग विलास की चीज वस्तुओं और सेवाओं पर तथा उनकी आय पर ऊँचे कर लगाए। तीन नंबर, गरीबी समाप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र पर विशेष बल देने की आवश्यकता समझकर सरकार ने जमीन सुधार धारा उपाय कानून जो था वो लागू किया। अगला, सरकार ने कृषि पर आधारित अन्य उद्योग, अन्य प्रवृत्तियाँ विकसित हों, जैसे कि पशुपालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जैसे विशेष उद्योगों को सहायता दी। स्वावलंबन क्षेत्र में भी उद्योग धंधों को रोजगारी बढ़े, ऐसे परंपरागत उद्योगों, हस्तकला, कुटीर उद्योगों के लिए प्रोत्साहन नीतियां बनाई। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण, स्वास्थ्य, आवास आदि के लिए जो है सड़क, फसल संरक्षण, कौशल प्रशिक्षण आदि क्षेत्र में सुधार किया। गरीबी निवारण के लिए सरकार के द्वारा अनेकों योजनाएं भी चलाई गई। इन योजनाओं में कृषि विकास यानी खेती का अधिक से अधिक विकास हो, एक तो स्वरोजगार कार्यक्रम किया गया, एक वेतन युक्त किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें ज़्यादातर सिंचाई हो, क्योंकि बरसात तो एक चार महीने ही में हो जाती है, तो संकट को, पानी के संकट को दूर किया जाए। छोटे मध्यम कद के चेक डैम बनाए गए, ऐसे उपाय किए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खेत सुरक्षा के लिए यह योजना लागू की गई। राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम सरकार के द्वारा शुरू किए गए। ईनाम योजना, इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए राष्ट्रीय बाजार खड़ा किया गया, जिसमें किसान अपनी ऑनलाइन अपने उत्पादों की सूचीबद्ध कर सकते हैं और कहीं भी बेच सकते हैं। बिचौलियों, दलालों के जो नुकसान होता है, उनके माध्यम से उसके उचित भाव जो है वो किसानों को मिल सके। ग्रामोदय से भारत उदय, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 24/7 रात दिन सतत बिजली की आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में, घरों में, खेतों में सस्ती दर पर बिजली देना, देश भर में बिजली की सुविधा
मैं 18,000 गांव में बिजली पहुंचाने की नई लाइन पावर स्टेशन सब स्टेशन शुरू किए गए। आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए, सेंद्रीय खेती के लिए माँ अन्नपूर्णा योजना। इस योजना के अंतर्गत गुजरात सरकार ने अंत्योदय परिवारों को, गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों को 35 किलोग्राम मुफ्त अनाज की व्यवस्था की है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, मनरेगा जिसे कहते हैं, 14-18 वर्ष से ऊपर के शारीरिक श्रम कर सके उसे कार्य देने की जिम्मेदारी गांव में ग्राम प्रधान और शहरों में भी इस तरह की सौंपी। कम से कम साल भर में 100 दिन जो है वो रोजाना 7 घंटे उन्हें रोजगारी की गारंटी दी गई है। मिशन मंगलम, सरकार गरीब रेखा नीचे जीने वाले लोगों को, महिलाओं को सखी मंडलों द्वारा जोड़ करके कौशल वर्धक प्रशिक्षण दिए। वाजपेयी बैंकेबल योजना, शहरी और ग्रामीण बेरोजगारों को जिनको 18 से 65 वर्ष के बीच है और कक्षा 4 पास, उन्हें प्रशिक्षण देकर के ऐसी व्यवस्था की गई है। धन्यवाद।